ऋषि भाई आ गए, देखा? तनुजा को बहुत मिस कर रहे हो? हाँ, क्योंकि तनुजा को गिफ्ट दिया हुआ ब्रोच जो तुमने पहना है। मतलब तनुजा चली गई, पर मतलब याद है तो मतलब ये कमबख्त दिल है कि मानता नहीं। पता नहीं कहाँ होगी वो। मिस्टर पूरब, सर आप बताएंगे इस पार्टी में क्यों आए हैं? आपके आने की वजह क्या है? सर प्लीज बताइए ना, सर प्लीज, सर बताइए ना। सर वन बाइट प्लीज, कैन यू से समथिंग अबाउट इंडियन बिजनेस? श्योर ब्यूटीफुल, बट आफ्टर दिस अनाउंसमेंट जिसके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ, व्हाई डोंट यू मीट मी आफ्टर दिस? आई विल गिव यू ऑल द बाइट्स यू नीड। Okay. Excuse me. Sir, one bite. Sir, one bite. Sir, one bite. Sir, please one bite. Rishi, I hope जो धोखा तुम्हारे बाप ने दिया, वो तुम नहीं दोगे। अभी भी कोई शक? मैंने पेपर साइन कर दिए ना? Yes, I know. But उसकी वैल्यू तब होगी जब कोर्ट में रजिस्टर्ड होगा ये सब। I know. But even you should know कि कोर्ट का मामला है। दो तीन दिन में रजिस्ट्री हो जाएगी। हो जानी चाहिए, क्योंकि अगर नहीं हुई तो तुम्हारे और मेरे बाप की पोल सारी दुनिया के सामने खोल दूंगा। रिलैक्स, मैं तुम्हें शेयर्स तुम्हारी धमकियों को देखकर नहीं दे रहा हूं। मुझे लगता है कि जेन्युइनली कि तुमने बहुत तकलीफें सही है। बस बुरा मत मानो यार, एक्चुअली जिंदगी में इतने धोखे खाए ना कि अब किसी पे भरोसा नहीं होता, तो सोचा कि पूछ ही लेता हूं। कम ऑन, लेट्स स्माइल फॉर द कैमरास। हाँ, देख रहे हो मीडिया कितना क्यूरियस है इस अनाउंसमेंट को लेकर। कम ऑन, Let's do this. आज मेरा दिल इतना क्यों धड़क रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है मानो जैसे कुछ तो होने वाला है, कुछ अजीब सा। Excuse me, ladies and gentlemen. आप सभी सोच रहे हैं कि आज ये पार्टी किस लिए है? वेल, मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाला हूं। और आज यहां बहुत सारे लोग आए हैं, बहुत जाने माने बड़े लोग, इनफैक्ट पूरी मीडिया भी यहां पर है। ये पार्टी एक किसी खास वजह से है, किसी खास इंसान के लिए है। सो पूरा वोरा, कैन यू प्लीज जॉइन मी ऑन स्टेज? वेल, मैंने फैसला किया है कि हमारी कंपनी बेदी एंटरप्राइजेस इनकी कंपनी के साथ मर्ज होने जाएगी। जी, आप लोगों ने बिल्कुल बिल्कुल सही सुना है। और 51% शेयर्स जो है हमारी कंपनी के, वो मैं इन्हें देने वाला हूं। गाइस, आप सब लोग इतने शॉक्ड क्यों हैं? आई नो कि मैंने मिस्टर ऋषि सिंह बेदी को रिश्वत देने के जुर्म में जेल भिजवा दिया था, बट आप लोगों ने शायद वो केस फॉलो नहीं किया। मैंने अपनी कंप्लेंट वापस ले ली है। इट वॉज जस्ट अ मिसअंडरस्टैंडिंग, नथिंग एल्स।
हेलो, कहाँ पे? एंट्रेंस पे? ओके ठीक है, एंट्रेंस पे घुमा। मैं और ऋषि What the hell is happening? Guys, guys, come on, focus. इधर देखिए, मैं और ऋषि आज यहां जिस मेजर अनाउंसमेंट के लिए मिले हैं उस पर फोकस कीजिए ना। अब जरा ध्यान से सुनिएगा। मिस्टर ऋषि सिंह बेदी ने अपनी कंपनी के 51% शेयर्स मेरे नाम कर दिए। यू कैन से कि आज से आई एम द ओनर ऑफ ऑल हिज कंपनीज। ऋषि ने पेपर्स पे साइन कर दिया है जिनकी कॉपीज थोड़ी देर में आपको डिस्प्यूट की जाएंगी। मैं नहीं चाहता कि कल न्यूज़पेपर में कोई भी गलत खबर छपे। द हेडलाइन शुड रीड पूरब वोरा The new owner of Bedi Enterprises. So the deal is done. Excuse me. The deal is not done. क्योंकि मेरी announcement अभी बाकी है। तनुजा यानी कि मैं तनुजा सिंह बेदी दिस इज रिडिकुलस। This is impossible. हो ही नहीं सकता ये। What? What is impossible? Nothing is impossible, right? Listen, ये जो तुम्हारा नाटक है ना, ये कहीं और जाके दिखा। समझी ना? तुम बेदी एंटरप्राइजेस की ओनर हो ही नहीं सकती। नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि बेदी एंटरप्राइजेस का ओनर सिर्फ एक आदमी है, ऋषि सिंह बेदी, इस घर का बड़ा बेटा। जिसने खुद सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम की है, 51% शेयर मेरे नाम किए, साइन किए और खुद अपनी मर्जी से किए। तुम इसे बदल नहीं सकती, समझी? You're mistaken. क्या नाम है आपका? मिस्टर पूरब बोरा, यू आर हाईली मिस्टेकन। मैं ऋषि को कहां रोक रही हूं? ऋषि जो चाहे तुम्हें दे सकता है, लेकिन मेरी प्रॉपर्टी से नहीं। आई मीन बेदी एंटरप्राइजेस से कुछ भी नहीं जो अब मेरी है, ऋषि की नहीं। मैंने कहा था ना कि चीटिंग होगी, धोखा होगा। हो गया ना धोखा? बिल्कुल तुम्हारे बाप की तरह। एक मिनट, ये लड़की झूठ बोल रही है। ऋषि ने किसी प्रॉपर्टी के पेपर्स में साइन नहीं किए। मेरा ऋषि कभी झूठ नहीं बोलता। आई होप आप जो कह रही हैं वो सच हो। क्या बोला आपने कि ये प्रॉपर्टी आपकी है? व्हाई डोंट यू प्रूव इट? मैं जानती थी तुम जैसा छोटा इंसान जो दूसरों पे शक करे उसको प्रूफ की जरूरत जरूर पड़े। यू नीड प्रूफ, राइट? आई विल गेट इट। प्रीति, ये रहा प्रूफ।
पढ़ लो, इत्मीनान से पढ़ लो, एक एक पॉइंट ध्यान से पढ़ लो। इट्स ऑल योर्स। जैसा कि आप सबने देख ही लिया है कि मैंने मिस्टर पूरब बोरा को प्रूफ दे दिया है, जिसे वो बहुत ही ध्यान से पढ़ रहे हैं। मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, पार्टी ओवर हो जाने के बाद प्लीज ये जो प्रूफ है इनके पेपर्स को थोड़ा एनलार्ज करके, थोड़ा जूम इन करके ध्यान से देखिएगा। जैसे मैं आप सबको बता दूं कि इन पेपर्स में क्या लिखा है। इन पेपर्स में यही लिखा है कि ऋषि सिंह बेदी ने खुद अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी है। है ना ऋषि? नो 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 नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। ये नकली पेपर्स है। These papers are fake, इन्होंने पता नहीं कैसे। मैं जानती थी, मैं तुम जैसे लोग जब ऐसे प्रॉपर्टी पेपर्स पे अपना नाम नहीं देखते हैं तो वो ऐसे ही तिलमिला जाते हैं, ऐसे ही बिहेव करते हैं। बट लेट मी टेल यू, ये लीगल पेपर्स हैं, सो ऑब्वियसली ये सही पेपर्स हैं। अब प्लीज तुम इंडियन कानून को ब्लेम मत करना। आई विल नॉट लाइक इट बिकॉज आई लव माय कंट्री, I love India. अच्छा, by the way, अगर तुम इनमें थोड़ा सा भी डाउट है तो तुम अपने लॉयर्स के साथ ये क्रॉस चेक करवा सकते हो, if you want, but not now, please. यहाँ मेरे गेस्ट आए हुए हैं, वो अपसेट हो जाएंगे, they'll get bored. What? Why are you so shocked? ये प्रॉपर्टी मेरी है, ये घर मेरा है, तो घर आए मेहमान भी मेरे ही हुए ना। Excuse me. ऋषि, तुमने पेपर्स पर साइन किए? नहीं ना, तुम जाओ रुको से, बंद कर उसका लेक्चर, जाओ ऋषि जाओ। हाँ जाता हूँ, तनुजा। तनुजा? यस स्वीटा। तुमसे बात करना है। अब एक्सक्यूज मी गाइस, पार्टी अभी खत्म नहीं हुई है। जब तक ये सारा कंफ्यूजन, ये ड्रामा खत्म नहीं हो जाता, पार्टी कैसे खत्म होगी? तो जितने लोग भी इस फैमिली से रिलेटेड है उनके लिए गॉसिप बाकी है, जितने भी लोग इस बिजनेस से रिलेटेड है उनके लिए और भी ज्यादा बिजनेस और डील्स बाकी है। तो प्लीज स्टे बैक। मेरे आने से पहले अगर इस पार्टी से कोई भी गया तो उसके लिए परमानेंटली गुड बाय हो जाएगा। फिर उसके साथ नो बिजनेस, नो डील्स एंड नो रिश्ता। सो प्लीज स्टे बैक एंड मेक दिस पार्टी द बेस्ट पार्टी ऑफ 2017। नहीं, मतलब 20 दिन तक तुम कहाँ थी? मतलब बिल्कुल लापता थी। तुम जानती हो मैंने तुम्हें कितना मिस किया, 100 बार तुम्हारा वो तुम्हारी वो चिट्ठी पढ़ चुका हूँ पागलों की तरह। तुम मतलब कहाँ थी? मैं तुम्हारे उस बानी मियां के घर गया जिनसे मैं इतनी नफरत करता हूँ, ये सोचकर कि कहीं उन्होंने तुम्हें किडनैप तो नहीं कर लिया, उन्हें डराया धमकाया, पर तुम वहां भी नहीं थी। फिर पता लगा कि किसी लड़की एक्सीडेंट हुआ जिसकी शक्ल तुमसे मिलती है, मेरी तो जान निकल गई यार। फिर शहर के सारे हॉस्पिटल देखे तुम, मतलब सब जगह छान मारा, तुम वहां भी नहीं निकली। तुम कहाँ थी यार? तुम मतलब तुम आई हो तो तुम ऐसे मतलब ऐसे क्यों वापस आई? मतलब इस तरह किस तरह? मतलब मैं परफेक्ट हूँ, फिट एंड फाइन हूँ, पहले से ज्यादा स्वीट स्मार्ट कॉन्फिडेंट हूँ, क्यों? तुम्हें अच्छी नहीं लग रही? अच्छी तो लग रही नहीं, तुम ऐसे क्यों लग रही हो? तुम अच्छी क्यों लग रही हो? नहीं मतलब तुमने जो नीचे किया ये सब क्यों किया तुमने?
तुमने ये सब क्यों किया, किसने किया? तुम जानती हो प्रॉपर्टी नहीं मैंने, क्या मैंने कभी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पे की है? कभी ऐसे कुछ पेपर वगैरह साइन किया? नहीं ना। तो फिर तुम सबके सामने सब क्लेम क्यों किया? वो भी मीडिया के सामने? इतनी बड़ी मुश्किल हो सकती जो तुम्हारा नहीं है वो? जो तुम्हारा है वो मेरा है, जो मेरा है वो तुम्हारा है। यही कहा था ना तुमने शादी के बाद, तो बस फिर तुम्हारा जो कुछ भी है वो सब कुछ मैंने अपने नाम ट्रांसफर करवा दिया। मतलब नकली सिग्नेचर्स की तुम? स्टूपिड हो तुम बहुत बड़ी। मतलब जो नकली पेपर साइन करके ऐसे प्रॉपर्टी हड़पते हैं ना, वो सीधे जेल में जाते हैं। तुम पागल हो क्या? आयु तुम स्टूपिड हो, बहुत बड़े स्टूपिड। जब मेरा पति असली है तो फिर सिग्नेचर्स भी असली होंगे ना। वैसे भी मिस्टर हस्बैंड, मैं तुम्हें कितनी बार बता चुकी हूँ मैंने लाइफ में कभी कोई चीटिंग नहीं की, लेकिन हाँ तुम्हारे सिग्नेचर्स के लिए थोड़ी थोड़ी सी चीटिंग कर ली। यहाँ सही कौन कर रहा है? मतलब कुछ नहीं। चलो जल्दी नीचे आ जाओ। पीछी, ये पूछो ना अपने बेटे से, बहुत वो बेटी 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 कहा करते थे, देख लिया ना क्या क्या इनकी लाडली बेटी ने। आंटी 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 देखो ना, मैं इस पायली से कब से पूछ रही हूँ लेकिन कुछ बता ही नहीं रही। वो दोनों आ रहे। तूने मुझसे झूठ क्यों बोला? क्यों बोला? कैसा झूठ? तेरे जाने के बाद ना पूरब ने सारे जो पेपर थे ना वो अपने वकील को दिखाए। वकील ने बोला कि पेपर्स भी ठीक है और तेरे जो साइन है वो भी ठीक है, और तूने बोला कि तूने तो साइन ही नहीं किए। वाह। हाँ मैंने मतलब नहीं। हाँ 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 मतलब उसने साइन करवा लिए धोखे से। हाँ एक मिनट एक मिनट, उसने साइन कैसे करवाए ये बाद में सोचेंगे, पहले तू पूरब के पास जाओ और उसे संभाल, वो बहुत गुस्से में है। देख मैं तेरे पापा जी और पूरब से बहुत नाराज हूँ, लेकिन इस वक्त मुझे अपने घर की इज्जत का ख्याल है, समझा? शिशी बताना बेटा आप क्या करेंगे? क्या करेंगे मुझे नहीं पता क्या करेंगे। नहीं मतलब जो होगा, मतलब अब जो करेगी तनुजा करेगी। सियापा किस्मत बहुत अच्छी है, तुम्हारी नहीं मेरी। वो तो कोइंसिडेंटली तुम्हारे लॉयर इसी पार्टी में थे तो तुमने पेपर्स क्रॉस चेक करवा लिए। वैसे इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, अब अरबों की प्रॉपर्टी है तो हजारों से तो क्रॉस चेक करवाओगे। तुम एक काम करो, ये पेपर्स तुम अपने पास ही रखो, जिन जिन से जितनी बार चेक करवाना हो ना बेझिझक करवा लेना। क्या पता ये पेपर्स ओरिजिनल हो ना हो या सिर्फ ओरिजिनल लग रहे हो, यू नो बहुत शक हो रहा होगा तुम्हें। तुम्हें क्या लगा पार्टी खत्म बात खत्म? आई विल टेक यू टू कोर्ट। श्योर। समन का इंतजार रहेगा मुझे, एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मुझे एक सेकंड नहीं लगेगा प्रूव करने के लिए कोर्ट में कि ऋषि ने किसी इमोशनल मोमेंट में आके, आई होप यू अंडरस्टैंड, वो हस्बैंड वाइफ के बीच का इमोशनल मोमेंट, उसमें आके उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी लीगली वेडेड वाइफ के नाम कर दी, मेरे नाम कर दी। स्क्रूटनी तो तुम पे होगी, प्रूफ तुम्हें देना पड़ेगा कि तुमने ऐसा क्या किया जो ऋषि ने अपनी 51% शेयर्स तुम्हें दे दिए। मतलब तो उसके फ्रेंड भी नहीं हो, बिजनेस पार्टनर भी नहीं हो। ओह वेट, कहीं तुमने उसे ब्लैकमेल तो नहीं किया ना? आई होप यू नो ब्लैकमेल करना बहुत बड़ा गुनाह है, और उससे भी बड़ी उसकी सजा है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम
तुम बहुत स्मार्ट हो, तुम ये प्रॉपर्टी कभी नहीं ले सकोगी। ले ली, बहुत आसानी से मैंने ये प्रॉपर्टी ले ली। वरना तुम यहां खड़े होके मुझसे आर्ग्यू नहीं कर रहे होते। तुम Guys, let's open the champagne. Champagne! Oh, sorry. I wish Tanuja married na hoti. To uske liye bhi apne ghar walon se lad leta. She's so pretty. Vibrant, conscious. Shanu aunty. Maine kya kiya? अरे तूने कुछ नहीं किया बेटा, जो कुछ किया है ना इस पूरब ने किया है और उसी का ये सब साइड इफेक्ट है। आई नो, ये सब कुछ तुम इंटेंशनली कर रहे हो। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये तुम्हारी और तुम्हारी बीवी की मिलीभगत है। देखो मुझे सच में कुछ नहीं पता ये सब क्या हो रहा है। अच्छा, तुम्हें कुछ नहीं पता? पहले मुझसे बोला कि तुम मुझे 51% शेयर्स दोगे, पेपर्स पे साइन करोगे और अब ये नाटक। तुम्हारी बीवी है, ये पेपर्स लेके आ गई है जो तुमने साइन किए और कह रहे हो कि तुम्हें कुछ नहीं पता। तुम्हारी इन पेपर्स की कोई वैल्यू नहीं है, समझे? पहले ये पता चले दो कि तुम्हारी बीवी के पेपर्स असली हैं कि असली है, असली है। वरना मैं तुम्हें और तुम्हारी पूरी फैमिली को बर्बाद करके रख दूंगा, समझे तुम? और ये जो मीडिया तुम्हारी बीवी के साथ चेयर्स कर रही है ना, यही मीडिया बीडी एंटरप्राइजेस की धज्जियां उड़ते हुए देखेंगे। ये जो तुम्हारा एम्पायर है ना, उसका 51% अगर तुमने मुझे नहीं दिया तो 49% भी नहीं बचेगा। सारी दुनिया जानती है कि मनप्रीत इस घर का छोटा बेटा है, पर अगर तुम चाहते हो कि मैं इस पूरी दुनिया को बता दूं कि इस घर का छोटा बेटा मैं हूं तो आई डोंट माइंड। द चॉइस इज योर्स। 7 दिन का वक्त है तुम्हारे पास, अपनी लाइफ सेट कर लो, वरना किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगा। साहिल को फोन करो और उसे बोलो कि घर पे आकर मिले मुझसे। ठीक है। 7 दिन। ऋषि, ये तनुजा ने जो कुछ भी किया है ना, उसमें तेरा कसूर से ज्यादा है। मैंने क्या किया? अब वो आ रही है, वो इधर ही आ रही है। वो हंस क्यों रही है? What's so funny? मिस्टर आसमिन, मीडिया में प्लीज ये अनाउंस कर दो ना, ये जो बिजनेस, ये प्रॉपर्टी मैंने टेक ओवर किया है, इससे तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं? इनफैक्ट तुमने बहुत खुशी खुशी मुझे सब कुछ दिया है। कह दो कि तुम साइन करके भूल गए। अब ये कोर्ट पे क्या लगा है? मैं जो कह रही हूँ उसे प्यार से समझ जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि कल के न्यूज़पेपर में ये लोग बेदी खानदान की धज्जियां उड़ा दें। तो अगर तुम अपने परिवार की इज्जत बचाना चाहते हो तो मेरे जाल से अपनी जाल मिला के जाओ। ओके, स्माइल स्माइल। एक्चुअली मेरे हस्बैंड बहुत ज्यादा शर्मीले हैं और आज तो ये इतने खुश हैं कि खुशी से क्या बोले इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। खुशी खुशी इन्होंने मुझे इतना बड़ा एम्पायर जो सौंप दिया है, अब इस खुशी को प्रूव तो करना ही पड़ेगा। लेट्स सेलिब्रेट, सेलिब्रेशन ऑफ लव। यू नो, मेरे हस्बैंड मुझसे बहुत प्यार करते हैं। कल न्यूज़पेपर में यही हेडलाइंस होनी चाहिए,
ये कहानी। हाँ प्यार की कहानी। एंड रिमेंबर हाईलाइट, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे डांसर हैं। तुमने मुझे जो धोखा दिया है ना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं तुम्हें छोड़ने भी नहीं दूंगी। अब देखना मैं तुमसे कितनी नफरत करूंगा। अब मेरा सच देखना, जितनी मोहब्बत की है उतनी नफरत करूंगा। क्या हुआ? तुम कुछ करते क्यों नहीं युवराज? बेदी एंटरप्राइजेस सिर्फ ऋषि का नहीं है कि उसका जब मन करे जो मन करे कोई भी फैसला ले ले और ऐसे किसी के नाम अपनी पूरी प्रॉपर्टी कर दे। मैं खुद नहीं जानता दिव्या कि उसने ये सब क्यों किया। तुम्हें पता ही क्या होता है युवराज? इट्स हाई टाइम नाउ, अब तो कोई स्टैंड लो। वो तनुजा इस घर की मालकिन बनी बैठी और तुम हाथ पे हाथ धरे बैठे, कुछ करते क्यों नहीं हो? क्या करूं मैं? वहां पे ऋषि, पापा जी, मनप्रीत, किसी ने कुछ नहीं कहा, किसी ने स्टैंड नहीं लिया, तो मैं अकेला क्या करता? और वैसे भी मेरे सुने कौन, मैं तो इस घर का बेटा हूं ही नहीं। युवराज तुम ये क्यों नहीं कहते कि तुम में हिम्मत नहीं है? और आई मस्ट से यू आर नॉट अ मैन इनाफ। दिव्या! क्या दिव्या, इस घर में जो भी आता है तुम्हें कुछ भी बोल के चला जाता है और तुम ऐसे चुपचाप सुनते रहते हो। युवराज तुम्हें कोई स्टैंड नहीं लेना, ठीक? अब मैं स्टैंड लूंगी, मैं इस घर की बड़ी बहू हूं, जो भी करना है मुझे करना है। सुना तुमने दिव्या? सुनो, अब देखना मैं तुमसे कितनी नफरत करूंगा। अब मेरा सच देखना, जितनी मोहब्बत की है उतनी नफरत करूंगा। मैं 20 दिन इस घर से दूर थी, आज के दिन के लिए। लोगों से कैसे बातचीत की जाती है, कैसे उन लोगों के साथ मिला जुला जाता है, ये कपड़े, ये मेकअप, ये बाल, ये तौर तरीका, ये एटीट्यूड, सब कुछ, कितना कुछ बदला है मैंने। हाँ वैसे बदल तो इस घर में भी बहुत कुछ गया है, लेकिन ये तो होना ही था। ऋषि और इस घर के लिए मैं इन सब की नफरत खुशी खुशी सह लूंगी। जब तक उस पूरब का खुलासा नहीं हो जाता ना, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। और एक बार जैसे ही मुझे पूरब की सच्चाई पता चल जाएगी, मैं सबको समझा दूंगी कि मैंने ऐसा क्यों किया। और हाँ, वो फैमिली मेंबर जो पूरब के साथ मिला हुआ है, वो कौन है? कौन हो सकता है? वैसे भी मिस्टर हस्बैंड, मैं तुम्हें कितनी बार बता चुकी हूं, मैंने लाइफ में कभी कोई चीटिंग नहीं की। लेकिन हाँ, तुम्हारे सिग्नेचर्स के लिए थोड़ी थोड़ी सी चीटिंग कर ली। और तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो? जैसे तुम्हें पता ही नहीं कि मेरे मेरे अरमान क्या है, मेरे डिजायर्स क्या हैं, मैं क्या चाहती हूँ। तनुजा प्लीज, अभी नहीं। इट्स मी। तुम बहुत अपसेट लग रहे हो।
नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। I know. तनुजा ने जो भी किया ना, अब it was not okay. तुमने कल कहा था ना कि तुम्हें गुजरात जाना है किसी काम से. हाँ, या exactly. तुम भी चलो ना मेरे साथ. वहाँ तुम्हारे होटल में ही रहेंगे. Of course separate rooms, but we'll have lots of fun. नहीं नहीं, मुझे यहाँ बहुत काम है. You look really upset and disturbed. Change हो जाएगा. मैंने कहा ना, मुझे काम है. और तनुजा की वापसी से मैं बहुत खुश हूं. आई एम हैप्पी. और हां, आइंदा फ्यूचर में ऐसे किसी भी लड़के के कंधे पे हाथ मत रखना. हर लड़के की नियत अच्छी नहीं होती. हर लड़का अच्छा नहीं होता. टेक केयर. यू सो स्वीट. आई होप तुम तनुजा से इतना प्यार नहीं करते. ऋषि भाई, आप कहां सोने जा रहे हो? नहीं, मेरी बीवी के बारे में छोड़ो, आप अपनी बीवी को जाकर कंट्रोल करो ना. और रही बात मेरी बीवी की, तो मैं संभाल लूंगा उसको. आज देख लेना, सीधा कर दूंगा. क्या हुआ? अल्लाह को सीधा करेगा. हाँ तो ऋषि भाई, आप मुझे चैलेंज मत दो. चल जा. पक्का? पक्का. ठीक है, मैं दिखाता हूँ. मैं उसको सीधा कर दूंगा. सीधा कर, मैं अपनी ओर सीधा कर. ठीक है, डन. ऑल द बेस्ट. सीधा कर दूंगा. ऑल द बेस्ट. सीधा कर. सीधा कर दूंगा उसको आज. ऑल द बेस्ट. मैं भी सीधे कर ही दूंगा. गुड. ऑल द बेस्ट. बाय. सीधे आज कर दूंगा. लड़की थी ना, कौन? महारानी की तरह सो रही है. क्या? हाँ, उसने बहुत सुनी घर वालों की. उसकी जगह अगर कोई भी और होता ना तो यही करता. मौके पे चौका मारता. उसकी जगह अगर मैं होती ना, पक्का किसी ना किसी का खून करती, किसी ना किसी का मुंह तोड़ती. आना, तुम मेरी साइड में हो या तनुजा की साइड में हो? मुझे नहीं पता कि मैं तनुजा की साइड में हूँ या नहीं हूँ, पर मैं ये जरूर जानती कि तुम्हारी साइड में तो बिल्कुल नहीं हूँ. तनुजा जैसे भी इस घर में आई हो, एटलीस्ट पूरब से हमारी प्रॉपर्टी बचा ली उसने. बचा ली या बचा ली? ए मोटी, तुम खा के ना इतनी ज्यादा मोटी हो गई हो कि इस धोखे में भी तुम्हें सलमान खान नजर आता है यार. और तुम मेरा दिमाग खा के सुखड़े तिले के सुखड़े तिले हो. अरे यार, जब ऋषि भाई ने प्रॉपर्टी में साइन किया ही नहीं तो तनुजा की प्रॉपर्टी कैसे हो गई बोलो? तो पूरा और उसको लगा था पागल है जो ये कह रहे कि ऋषि ने खुद साइन किया है. तो मतलब तुम कहना चाहते हो कि ऋषि भाई पागल है? नहीं, तुम पागल हो. मैं पागल हूँ? हाँ, मैं पागल हूँ. मैं पागल हूँ ना, यही ना तुम कहना चाहते हो. देखा, मान लिया ना बात. असल बात सामने आई गई कि तुम पागल हो, है ना? रियलिटी बहुत सॉफ्ट है. नहीं लगी तुम्हें? तारा भारी नहीं है. नहीं लगी ना? नहीं लगी. नहीं लगी. अरे उससे लग जाएगी. मुझे आ रहा है, तू जाएगा मेरा. प्लीज आना यार, प्लीज आना. आना प्लीज. देखो तुम बहुत अच्छी हो ना, है ना? आना, मेरे प्यार को समझो, है ना? जाना प्लीज. प्लीज ऐसा नहीं करते. देखो इससे लग जाती है. ये सॉफ्ट है. मैं मॉम से कभी नहीं बोलूंगा कि कभी नहीं बोलूंगा कि तुम मोटी हो. अब मैं भी तुम्हें कभी नहीं मारूंगा. आना नहीं. आना प्लीज. अरे नो नो नो. नहीं नहीं. आना प्लीज. आई एम सॉरी. आना. गुड नाइट. आना मेरे प्यार को. आना प्लीज. अरे यार गेट खोलो. गुड नाइट. स्वीट ड्रीम्स. प्लीज गेट खोल दो. अब डोर खोल दो. आना प्लीज.
आज मेरा बालकनी में सोने का दिल है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? काम करो अपना, निकलो। हाँ देखो आखिरी बार कह रहा हूं, ये रूम मेरा है, रूम से बाहर निकलो प्लीज, गो। नहीं जाऊंगी। फाइन ठीक है, रूम तुम्हारा है बट ये बेड मेरा है, उतरो। ये बेड भी मेरा है और बेड वाला भी। आधे आधे बेड पे सो जाते, शेयर कर लेते। ये लो नाइट सूट भी पहन लो। ठीक है, पूरे बेड पे फैल के सो, मैं जा रहा हूं। अरे ऋषि कहां जा रहे हो? मैं तो तुमसे इसलिए झगड़ रही थी क्योंकि तुम मुझे कमरे के बाहर फेंक रहे थे और बेड वाला झगड़ा भी तुमने स्टार्ट किया। एक काम करते हैं ना, आधे बेड पे सो जाते हैं, शेयर करते हैं। शेयरिंग इज केयरिंग ना। तुम जैसे चीटर के साथ मैं कभी कुछ शेयर नहीं करूंगा। यू आर अ मंगूस, यू आर अ लायर, यू आर अ चीटर। अरे मंगूस के पति, बात तो सुनो, कहां जा रहे हो? ओह नो, तो क्या मैंने ऋषि से कुछ ज्यादा ही रूडली बात कर ली? पर अगर ऐसा नहीं करती तो मेरा प्लान कामयाब कैसे होगा? मुझे भी इस कमरे में बिना मिस्टर हस्बैंड की नींद कहां आने वाली है। समझती क्या अपने आपको? मेरा कमरा, मेरा बेड। ठीक है, थोड़ी बहुत अच्छी लग रही थी तो इतराएगी है? नहीं मतलब थोड़ी नहीं, बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत अच्छी। ये बेड मेरा है, 100% में ये बेड नहीं आता क्योंकि ये बेड मुझे गिफ्ट में मिला था। झूठ बोलना भी नहीं आता तुम्हें? तो झूठ बोला को तुमसे सीखे, तुम तो बहुत अच्छा झूठ बोल लेती हो। मैं झूठ नहीं बोलती। तुम झूठ बोलती हो, तुमने उसे कहा तो तुमसे प्यार करती हो तो करती हूं। नहीं ऋषि नहीं, बुरी है वो बहुत बुरी है। देखा नहीं उसने कैसे अपने सर से मेरे सर को मारा, जैसे जैसे कोई बैल मारता हो। नहीं बैल कैसे, वो गाय है। अरे बैल तो मैं हूं क्योंकि मैं स्ट्रांग हूं। बैल स्ट्रांग होता, बैल मैं हूं बिल्कुल। देखा नहीं जैसे वो बेड पर, मतलब बेड पर कितनी अच्छी लग रही थी, बहुत सुंदर। बोलती मेरा बेड है। अरे तुम्हारा बेड कैसे भाई? मेरा कमरा, मेरा बेड। मन तो क्या उसे बेड से बांधो, मैं बैल हूं तो मैं सो जाता हूं। वाह वाह, आपको भी आज ही का दिन मिला मजाक करने के लिए है? खड़ 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 खड़। ये क्या प्रॉपर्टी डील में आप भी उसके साथ हैं? अरे बारिश किस लिए? बारिश हो रही है और ऋषि ऊपर छत पे भीग रहा होगा लेकिन नीचे रूम में नहीं आएगा। क्यों आएगा? उससे बड़ा तो उसका ईगो है। मैं जाके देखती हूँ। नहीं मैं गई तो उसको लगेगा कि मुझे उसकी फिक्र है और ये फिक्र ही तो नहीं दिखानी है। तो क्या करूं? छाता लेकर आई हो, अंदर नहीं बुला सकती थी?
पता है कितनी कितनी ठंडी है यहाँ पर, हवा कितनी ठंडी है, पानी कितना ठंडा है। मुझे सब पता है, तुम्हें नहीं पता मैं छाता लेकर क्यों आई हूँ। वो मैंने मैंने कहा था परे इससे मुझे धोखा दिया, मैं इससे अब इससे बात नहीं करूंगा। इसे क्या लगता है कि मैं अब देखो इससे नफरत करूंगा। मैं जानता हूं अंदर जाके हंस रही होगी, सोच रही होगी कि फिर से ऋषि के ऊपर मेरा जादू चल गया, पर अब नहीं चलेगा। अभी जाके बात करता हूं उस मिस वर्ल्ड से, उस मंगू से, चीटर से, लायर से। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं अनुजा। अब देखो ये बारिश की तुम्हें मेरा साथ देती रहना। मैं चाहती हूँ कि मैं ऋषि के साथ थोड़ा और स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ बनी रहूँ। मुझे थोड़ा टाइम चाहिए ना, जानना चाहती हूँ आखिर पूरब चाहता क्या है और वो कौन है जो उसके साथ मिला हुआ है। ऋषि बोल दे वो तुझे अच्छी लगती है। नहीं मतलब अच्छी नहीं लगती। मुझे इधर उधर उधर बैठो 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 क्या कर रही हो? क्या कर रही हूँ मतलब? इतना भीग गए हो तुम्हें, तुम्हें सर्दी लग गई है, छींकते जा रहे हो तुम। मैं जानता था, मैं पहले से ही जानता था कि तुम ये सब जो कर रही थी ना, ये सब कुछ नाटक था। ये फीलिंग, ये प्यार वाली फीलिंग मतलब तुम्हें है क्यों? ये नाटक था ना? नहीं वो प्यार प्यार वाली फीलिंग, वो फिक्र वाली फीलिंग नहीं थी। मतलब ये फायदा नुकसान बिजनेस ठीक है। अब से मैं भी वो मेरे दिल में जो है ना वो प्यार वाली फीलिंग, वो फिक्र वाली फीलिंग मैं भी उसे
निकाल दूंगा तुम्हारे लिए। अच्छा है। बहुत जल्दी समझ गए। लॉन्ग मिल गई। नहीं वो ढील ढील मतलब थोड़ी ढील दो ना तनुजा। ना कोई ढील ना कोई डील और ना ही कोई चाय। यहाँ कोई चाय वाय नहीं है। प्लीज आप चाहिए। और तुम क्या घर देख रहे हो? लॉन्ग डालिए ना उसमें। ओ जान वो तो चल जाए यहां से। ये तेरी नई मालकिन है ना, ये बहुत खड़ूस है। इसको ना मैं सीधा करता हूं। जा तू जा जा यहां से। सॉरी बाबूजी, ये एक्टिंग करनी ना बहुत मुश्किल है। कहीं ओवर एक्टिंग तो नहीं लग रही ना? कुछ नहीं हो। नहीं वो तो ना पुत्र तू बहुत अच्छी एक्टिंग कर रही है। इतनी अच्छी एक्टिंग करे एक राय तू तू ना अपना एक्टिंग स्कूल खोल दे। कल जब तू घर में आई थी ना वो धमाकेदार एंट्री। मुझे लगता है ना ऋषि बहुत जल्दी मेरा नाटक पकड़ लेगा। नहीं 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 जब तक उसे कुछ पता नहीं चलेगा। हाँ लेकिन उसे किसी भी हाल में बताना मत। अगर उसे सच पता चल गया ना कि तूने पूरब और मलाइका की बातचीत सुनी थी और ये कि पूरब के साथ हमारे घर का ही कोई मेंबर मिला हुआ है तो पुत्र ये ऋषि ना इस बात पर यकीन नहीं करेगा क्योंकि वो सारे घरवालों से इतना प्यार करता है। उस वो ना अपने घरवालों पे आंख बंद करके भरोसा करता है। समझा पुत्र हमें ना अपने मकसद पे फोकस करना चाहिए अपने मकसद पे ध्यान देना चाहिए। सही कह रहे हैं पर हमारा मकसद अभी सिर्फ यही है कि हम जल्द से जल्दी पता लगाएं कि वो कौन सा फैमिली मेंबर है जो पूरब के साथ मिला हुआ है और पूरब को इस घर से दूर रखना और उस नेत्रा को मेरे ऋषि से दूर रखना। आप क्यों सर? वो छोड़ पुत्र तो चल चाय का पानी चढ़ा। नहीं वो सब तो ठीक है पर इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? नहीं बताइए ना आप क्यों हंस रहे हैं? नहीं आप तो ऐसे हंस रहे हैं जैसे जैसे मैं जैसे जैसे कोई जलने वाले को देख के हंसता है। What did I tell you? जब मैं कुछ सोच रहा हूं तो मुझे डिस्टर्ब मत किया करो। Sorry. कितनी बार समझाना पड़ेगा तुम्हें? साफ करो उसे। रहने दो बाद में करना। जाओ। तुम तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि बेदीस के 51% शेयर्स अपने नाम कर लोगे उन्हें बर्बाद कर दोगे उन्हें रोड पे ले आओगे। क्या हुआ? Don't you dare talk to me like that. मुझे ऊंची आवाज में बात सुनना और लड़कियों की बेइज्जती करना पसंद नहीं है, समझी तुम? हाँ, लेकिन लड़कियों से बेइज्जती कराना बहुत पसंद है। मतलब तनुजा जैसी मामूली लड़की ने तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लिया लेकिन तुम कुछ भी नहीं कर पाए। ओह, कहीं ऐसा तो नहीं कि बाकी लड़कों की तरह तुम्हारा दिल भी उस तनुजा पर? Just shut up, okay? Just shut up. What shut up, हाँ? मैंने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया यहाँ तक कि उस बेदी परिवार के मेंबर ने भी तुम्हारी मदद मेरी वजह से की और इसी वजह से तुम उनकी प्रॉपर्टी पे अटैक कर पाए और तुम मुझे शट अप कह रहे हो? हाँ लिसन तुम सर आपने जो कुछ भी कहा था वो सब कुछ लीगल करने में 2 हफ्ते तो लगेंगे उसके बाद ही आप ऋषि बेदी के खिलाफ फोर्जरी क्लेम कर सकते हैं। Damn it. ये सब
कुछ उस तनुजा की वजह से हो रहा है। तनुजा, तो बाबूजी आप ये बात ऋषि को क्यों नहीं बताते थे? बताई थी पुत्र, पर वो मुझसे इतना नाराज है कि उसने गौर ही नहीं किया मेरी बात पे। पूरब की मां ने मुझे कभी नहीं बताया कि उसका बेटा भी है। अगर बताया होता तो तुझे क्या लगता है मैं उसे वैसे ही छोड़ देता, उसकी जिम्मेदारी नहीं लेता? मुझे पुत्र इस बात का दुख नहीं है कि राणा मुझसे बात नहीं करती, नहीं वो सोच रही है कि मैंने उसे धोखा दिया। उसकी गलती नहीं है, दरअसल किसी की कोई गलती नहीं। और पुत्र थैंक्स, थैंक्स कि कम से कम तू तो मुझे समझती है। बुड्ढा। हाँ बुड्ढा। मैं बुड्ढा। हाँ बुड्ढा। बुड्ढा बोला। ये लो, बुढ़िया भी चली आई। एक्सक्यूज मी। तू यहां खड़ा खड़ा क्या देख रहा है? इडियट। यौन कोटा। तनुजा की और मेरे झगड़े के बारे में राणा को क्यों बताया? यौन कह दे इन्हें, इन्हें कोई कुछ भी कहे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हो क्या रहा है इस घर में? अभी तक कुछ नहीं हुआ, अब बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ, बहुत मजा आएगा। देखने वाले देखते रह जाएंगे। बुड्ढी आना आ गई, आना आना। यार भाई आपने तो मुझे हार्ट अटैक दे दिया था यार। लगता है हार्ट अटैक तो तुझे उसने दिया है। तू यहाँ कमरे के बाहर, बीवी ने बाहर निकाल दिया है। यो ये देख कुल्फी जम गई तेरी, नाक भी तेरी लाल हो चुकी है। रियली? हाँ और क्या, कल तो बहुत गरज रहा था है? भाई कंट्रोल करो, बीवी को एकदम कंट्रोल, सीधे रखो। नहीं भाई, आना है तुझे कंट्रोल कर दिया, मुझे सीधा कर दिया। नहीं नहीं नहीं, मैं खुद बाहर आया हूँ, आप नहीं समझ रहे हो बात। अच्छा हाँ, आई मीन अरे मैंने उसको ना मजबूर कर दिया था कि वो मुझे बाहर निकाल दे। हाँ मैंने मजबूर किया। आना प्लीज, मेरी प्यारी से आना हो ना, तुम आना गेट खोल दो प्लीज। तुम क्या ऐसे लड़कियों जैसे हम दोनों भाइयों की बातें सुन रहे हो? जाओ चाय बना के लाओ मेरे लिए, जाओ जाओ, और शक्कर और दूध अच्छे डाल। हाँ जाओ। The way, आपकी नाक भी लाल है, कहीं आप भी बाहर है शहर तो? पागल है उसकी, उसकी इतनी उतनी इतनी इतनी का हिम्मत उसकी? अरे वो तो अंदर एसी में बहुत ठंड लग रही थी कमरे में, तो बाहर मौसम अच्छा था, बाहर जाके सो गया। अच्छा समझा, को मैंने रात को ही यूं सीधे कर दिया था। हाँ और क्या। Really? अच्छा भाई प्लीज ना मुझे भी दो तीन टिप्स दे दो ना ये बीवियों को सीधा करने की, मैं अपनी बीवी को सीधा कर दूंगा। हाँ प्लीज 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 प्लीज। फिर कभी नहीं ऋषि भाई, अभी बोलो ना प्लीज 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 प्लीज। अच्छा अच्छा ठीक है प्लीज। तो सुन देख क्या है कि जब बीवी सामने आए, मतलब बीवी हो और कुछ कहना, तो उसकी ऐसे ऐसे आंखें बड़ी करके यूं उसको बोल कि हे जाओ चाय लेकर आओ। हाँ जाओ चाय। हाँ भाई, अरे ऐसा बोलूंगा ना मैं अपनी बीवी को, मोटी मेरा मुंह तोड़ देगी। फट्टू भाई पागल है। देख तमजा जब मेरी बात नहीं मानती ना, तो मैं इसको ऐसे ऐसे आंखें दिखाता हूँ, उसकी रूह का परिंदा कांप उठता है, ऐसे सूखे पत्ते की ऐसे कांप उठती है, समझा? हाँ तू तू अपनी बीवी से डरता है, मेरी बीवी मुझसे डरती है, बस फर्क ये है, that's the difference। तो बोल देता हूँ ए जाओ चाय लेकर।